how to record incoming and outgoing calls on your Android phone in 2020. आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है यही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अगर आपको डाउट है कि वो आपके पीठ पीछे किसी और से बात करती है, सिर्फ आपको डाउट है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो ऐसे केसेस में अगर आप उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो उसके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा कॉल रिकॉर्डिंग, जिससे आप उसके मोबाइल की सारी एक्टिविटी को यानी कि वो किससे बात करती है, क्या बात करती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को उसके एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है बिना उसे पता लगे। और इसमें आपको कुछ ऐसा सेटिंग करना है, डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करके ओपन करके छोड़ना नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है तो इससे आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स हैं, वो सेटिंग्स अप्लाई करना है। वो सेटिंग आप जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो सामने वाले को जिसके मोबाइल में आपने ये कॉल की रिकॉर्डिंग को सेट किया है तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसने उसके मोबाइल में ये कॉल रिकॉर्डिंग सेटअप किया गया है और आपको उसकी कॉल के सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स में आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है एक्टिव सर्विस का वो आपको इनेबल रखना है और उसके नीचे के जो तीनों सेटिंग्स हैं उन्हें आपको डिसेबल कर देना, यानी कि सिंपली उन्हें अनटिक कर देना है। द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है वो है एक्टिव सर्विस का। सर्विस मतलब ये, अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे जो सर्विस है वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, यानी कि आपका कॉल रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप ये फर्स्ट ऑप्शन ऑन रखें, बाकी का जो नीचे का तीनों सेटिंग है उसे आप ऑफ कर दें। बिकॉज द सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन है शो मैनुअल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन रख देंगे तो यहाँ पर जब भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप की तरह, तो नोटिफिकेशन आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो इसलिए इस ऑप्शन को ऑफ रखना है। फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है सो नोटिफिकेशन का, ये भी वही इन्फॉर्मेशन है। और थर्ड नंबर पे है अलाउ स्पेशल कैरेक्टर, इसे भी आपको अनटिक कर देना है बिकॉज यहाँ पर हम कुछ स्टार हैश या फिर जब भी हम कोई नेटवर्क सिम कार्ड कंपनी को कॉल करते तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस सेटिंग को अप्लाई रखें। उसके बाद ये सेकंड नंबर यहाँ पे डाउन सेट में आपको मैनुअल रिकॉर्डिंग, मैनुअल रिकॉर्डिंग मतलब ये एक आउटगोइंग कॉल होता है कि आपको सिर्फ इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड नहीं करना है, साथ ही में आउटगोइंग कॉल भी रिकॉर्ड करना है। अगर जिस पर्सन के मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है अगर वो कोई आउटगोइंग कॉल करती है तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है। उसके बाद डाउन साइड में आपको ऑप्शन दिया गया है रिव्यू का, शो रिव्यू का, ये भी ऑप्शन आपको इस पे चेक मार्क करना है बिकॉज यहाँ पर जब भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा तो वो डायरेक्टली सेव नहीं होगा, पहले कॉल रिकॉर्डिंग का कंप्लीट होने के बाद वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग लाइव सुनाया जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको पहले कॉल सुनाएगी, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है और सब ओके लगता है तो फिर आपको वो कॉल को सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो ये शो रिव्यू का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद बारी है यहाँ पे सेकंड सेटिंग के, जो आपको अप्लाई करना है वो है यहाँ पर शो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है बिकॉज इसको आपको यहाँ से ऑन रखना है। द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर अगर आप इसको ऑन रखते तो इससे क्या है कि जो भी पर्सन से कोई कॉल होगा यानी कि जब भी कोई कॉल रिकॉर्ड होगा तो वो कॉल कितने बजे रिकॉर्ड हुआ, कौन से टाइम पे रिकॉर्ड हुआ, कौन से डेट पे रिकॉर्ड हुआ, साथ ही में कितने मिनट का वो कॉल रिकॉर्डिंग था और कौन से डेट को बात किया गया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस ऑप्शन को ऑन रखने से। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग है, नेक्स्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑन कनेक्ट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑन होना चाहिए बिकॉज हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कॉल को ही इनेबल करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज जब भी हमें कोई कॉल, हम रिंगिंग कॉल को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें कॉल को रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए इस ऑप्शन को ऑन रखना है और दैट्स इट, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है।
So now let's go to the next setting, which is security. सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि अगर जो अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन के मोबाइल में आपने कॉल रिकॉर्डिंग सेटअप किया है वो कॉल रिकॉर्डिंग को आपके अलावा और कोई देखे ना, तो बेटर है आप यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर दो, जिससे कि जिसके मोबाइल में आपने कॉल रिकॉर्डिंग को सेटअप किया है उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग सेटअप किया है। और जब भी अगर उसे पता भी चल गया तो यहाँ पे उसे इनपुट करना होगा यहाँ पर पासवर्ड, और उसे पासवर्ड पता नहीं है, तो जिससे आपको यानी कि उसे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में पता ही नहीं चलेगा और वो यहाँ पे क्विट कर देंगे। तो मेक श्योर कि यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है जिससे कि प्राइवेसी लीक नहीं होगे। उसके बाद डाउन साइड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है गूगल ड्राइव का। आप अपने सारी कॉल रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को नहीं पता कि गूगल ड्राइव क्या है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये एक तरीके का ऑनलाइन स्टोरेज है, यानी कि जिस तरीके से आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है अलग से, उसी तरीके से ये एक गूगल ड्राइव का भी एक मेमोरी कार्ड है। लेकिन फ़र्क यह है कि जो आपके मोबाइल में होता है वो ऑफलाइन होता है और ये ऑनलाइन स्टोरेज होता है। तो ये काफ़ी ज़रा सिक्योर होता है। अगर आप चाहते कि आपके कॉल, अगर आपको डर है आपके जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसके डिलीट होने का, तो वो सारी के सारी कॉल रिकॉर्डिंग को आप गूगल ड्राइव में अपलोड करके रख सकते हैं। तो इनकेस अगर आपके मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो गया, तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव में जाके यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गूगल ड्राइव अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और इसका यूज़ कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए अलग से टॉपिक कवर करूँगा। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको और भी कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी इस टॉपिक के रिलेटेड। बस इतना सा ही सेटिंग करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वो सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो उस पर्सन ने किसी से बात की है जिसके मोबाइल में आपने इंस्टॉल करके रखा है। सो ये एक बेस्ट मेथड है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल दोनों भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कॉल की रिकॉर्डिंग को सेटअप करना है, इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड इन फ्यूचर एज वेल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।